हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। अगले हफ्ते होने वाली निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और किस तरीके से रह सकती है मंथली एक्सपायरी, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाता है वो दिखाई दे रहा है। फ्राइडे की तेजी जिस तरीके की कल के दिन देखने को मिली और गुरुवार के दिन जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली थी, तो यहाँ पे एक ही दिन में मार्केट फिर से रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। और एक चीज संकेत यहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं निफ्टी में कि मार्केट में अगर कोई भी गिरावट आएगी छोटी सी भी, तो वहां पे नीचे की तरफ लोग एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार खड़े। ऐसा कल भी हमको देखने को मिला। कल जिस तरीके से 12,800 के आसपास ओपनिंग देखने को मिली और 12,730 तक का लो लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जहां लो लगा वहीं से एक अच्छी खासी बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके कहीं ना कहीं निफ्टी ने क्लोजिंग देने की कोशिश की। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश किया। लगभग पहले गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी में, लेकिन निचले पॉइंट स्तर से अच्छी खासी रिकवरी जो आती हुई दिखाई दी बैंक निफ्टी में। फाइनली 333 अंकों की तेजी के साथ 29,000 के ऊपर जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी। कल के दिन के अगर तेजी वाले स्टॉक्स की बात करें तो लगभग बजाज फिनसर्व जो था वो 9.25% उछलता हुआ दिखाई दिया। टाइटन में 5.5% से ज्यादा की तेजी थी। गेल में लगभग 4.25% की तेजी होती हुई दिखाई दी। बजाज फाइनेंस 4% तक उछलता हुआ दिखाई दिया। भारतीय एयरटेल में भी 3% का उछाल देखने को मिला। लेकिन गिरावट वाले शेयर में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे कल की गिरावट को लीड किया। लगभग 3.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स भी लगभग 1.5% से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक में 1.5% गिरावट थी। 1.25% गिरावट एक्सिस बैंक में और 1% के आसपास की गिरावट सन फार्मा में देखने को मिली। लेकिन वहीं पे बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो कल रात को दिन डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी गिरावट लगभग 1% के आसपास की देखने को मिली। डाउ फ्यूचर्स में 29,171 के आसपास डाउ फ्यूचर्स बंद होते हुए दिखाई दिए। नेस्डेक और S&P 500 भी लगभग लगभग आधा से 0.5% तक टूटते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे आपको कल के दिन अमेरिकी बाजारों में भी एक प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो वो मिक्स थे, माइल्डली पॉजिटिव से 0.5% नेगेटिव के आसपास तक जो है यूरोपियन मार्केट्स भी जो थे वो बंद होते हुए दिखाई दे। तो आगे चल के आपको ग्लोबल मार्केट्स पे भी असर रखना होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब FIIs के डेटा की, कल किस तरीके के FIIs के डेटा बनते हुए दिखाई दिए। कल के दिन तगड़ी बाइंग जो है FIIs की तरफ से फिर होती हुई दिखाई दी। 20 नवंबर 2020 का दिन 3860 करोड़ की बाइंग जो है कल के दिन FIIs इंडियन मार्केट में करते हुए दिखाई दी। यानी कि परसों जिस तरीके से 1100-1200 करोड़ के आंकड़े आते हुए दिखाई देते, तो एक दिन के आंकड़े के बाद फिर से यहां पे पंप होता हुआ दिखाई दिया पैसा और मार्केट में रिकवरी लौटती हुई दिखाई दी। लेकिन जिस तरीके से DIIs यहां पे लगातार सेल कर रहे हैं उनके डेटा आपको सेम टू सेम उसी तरीके के दिखाई देंगे। कल के दिन भी यहाँ पे DIIs ने 2868 करोड़ की सेलिंग इंडियन मार्केट में की। तो अच्छा है कि यहाँ पे FIIs बाइक कर रहे हैं तो DIIs यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख रहे हैं, ताकि अगर इन द फ्यूचर कभी कोई गिरावट या डिप्स आती है तो DIIs का पैसा तैयार रहेगा, वो यहाँ पे नीचे में बाइंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन डेटा की, किस तरीके के डेटा बनते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कल के दिन सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला डेटा में ऑप्शन के, वो था पुट के ओपन इंटरेस्ट में सबसे बड़ा चेंज हुआ, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,500 के पुट पे बना था 32,80,000 शेयरों का, अब वो बढ़कर यहाँ पे 12,800 पे आ चुका है। यानी कि जो बेस शिफ्ट है वो 300 पॉइंट ऊपर हो चुका है। यानी कि 12,800 निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज के रूप में काम करता दिखाई देगा। कल के दिन लगभग 17,18,000 शेयरों की पुट राइटिंग जो है इस स्ट्राइक प्राइस पे हुई है 12,800 के पुट पे, और टोटल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है 37,16,000 शेयरों का। तो 12,800 के नीचे जाने के बाद ही अब जो है आपकी फ्रेश कमजोरी बनती हुई दिखाई देगी। उसी तरीके से आप देखेंगे सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 12,500 के पुट पे बना हुआ है लगभग 32,80,000 शेयरों का। 6,87,000 शेयर यहाँ पे कल के दिन नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। 12,700 की भी अगर हम बात करें तो 6,30,000 शेयर कल यहाँ नए जुड़े और लगभग 30,00,000 शेयर के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना है। तो 12,800 के बाद 12,700, 12,600 पे भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा लगभग 24,32,000 शेयरों का। 6,65,000 शेयरों का एडिशन कल के दिन 12,600 के पुट पे देखने को मिला। तो आपके लिए एक अच्छा खासा पुट राइटर्स फिर से कहने के कॉन्फिडेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। एक आध दिन कॉल राइटर्स यहाँ पे भले जुड़ जाते हैं, लेकिन अगले दिन ही वो पूरी तरीके से कटते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके की तेजी यहाँ पे बन रही है कॉल राइटर्स के लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स लगातार पैसा बनाते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्केट में यूफोरिक संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं अगर बात करें कॉल साइड में किस तरीके की पोजीशन बनती हुई दिख रही है, तो आपको 21,63,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा 12,800 के कॉल में, जहां पे 6 लाख शेयरों से ज्यादा की पोजीशन कल कॉलराइटर्स के रूप में जुड़ती हुई दिखाई दे। तो 12,800 के कॉल पे पुट राइटर कॉल राइटर दोनों जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रेडल शॉर्ट करने की जो उम्मीद है वो करते हुए लोग दिखाई दे रहे, जहाँ पे उनको जो पैसा मिलता हुआ दिख रहा है लगभग 200 225 रुपए के आसपास की प्रीमियम हाथ में आती हुई दिख रही है, और उनकी जो रेंज सेफ रेंज होगी वो लगभग 12,600 से 13,000 के आसपास की होती हुई दिखाई देगी। तो वो लोग यहाँ पे स्ट्रेडल शॉर्ट करके यहाँ पे पूरी प्रीमियम कमाने की कोशिश में लगे। लेकिन अपर साइड में अगर हम बात करें तो 12,900 और 13,000 का जो लेवल होगा इस एक्सपायरी में आपके लिए एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करेगा। 13,000 के कॉल पर अगर मोटा मोटी बात करें, 36 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बना हुआ है, 2,65,000 शेयरों का कल माइनर एडिशन कल कॉल राइटर्स के रूप में देखने मिला। ठीक उसी तरीके से 12,900 के कॉल से 2,30,000 शेयर अनवाइंड होते हुए दिखाई दिया और 27,88,000 शेयरों की टोटल पोजीशन यहाँ बनी है। तो 12,800 12,700 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए नीचे की तरफ में, और ऊपर तरफ में अगर हम बात करें तो 12,900 13,000 एक रेजिस्टेंस जोन है, जिस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल्स में तेजी होती हुई दिख रही है। लेकिन बाकी कुछ हैवी वेट दिग्गज जिस तरीके से रिलायंस में कल यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं निफ्टी की जो अपसाइड थी उसको यहाँ पे रिलायंस ने कैप करने की कोशिश की थोड़ी। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि निफ्टी में शायद उतने बड़े मूव आए ना आए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव होंगे वो बहुत ही जबरदस्त हो सकते हैं। तो हो सकता है आपको यहाँ पे 13,000 के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एक्सपायरी के हफ्ते में हर महीने आपने देखा है कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर होती है। तो यहाँ पे अगर 13,000 का लेवल निफ्टी पार कर जाता है और किसी भी कारण से यहाँ पे 13,000 के ऊपर रहने के संकेत अगर नजर आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे फिर जो तेजी है वो बढ़ के 13,100 13,200 तक आराम से जाती हुई दिखाई दे सकती है इस एक्सपायरी में। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है शॉर्ट कवरिंग अगर 13, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की पोजिशन बनी हुई है कॉल में नीचे की तरफ, अगर ये लोग फंसेंगे तो फिर बुरी तरीके से शॉर्ट कवर करते हुए दिखाई देंगे अपने, और वो तेजी जो है शॉर्ट कवरिंग की वो आपको 13,000 के पार भी लेके जा सकती है। और इसकी जो उम्मीद जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, किसी भी उम्मीद से यहाँ पे इनकार फिलहाल नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, किस तरीके के डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग जो है 29,200 के पार होती हुई दिखाई दी। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है वो आती हुई दिखाई दे रही, निचले लेवल से एक अच्छा बाइंग सपोर्ट जो है खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें किस तरीके के जो ऑप्शन डेटा है वो यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट जो है जाता हुआ दिख सकता है, तो इस हफ्ते की जो रेंज होगी दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा आपको 1,000-1,500 पॉइंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि 29,000 के लेवल को अगर हम बात करें, इसके ऊपर हम कल फाइनली जा चुके हैं, 5,18,000 शेयरों की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है हमारे टोटल ओपन इंटरेस्ट में है। 34,800 शेयर जो है कल के दिन यहाँ पे अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कल के दिन यहाँ राइटिंग का देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो फ्रेश राइटिंग हुई है वो 28,500 के पुट पे आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही है, 1,70,000 शेयरों की कल के लिए राइटिंग वहाँ हुई है पुट में, और लगभग 6,11,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है। तो 29,000 से 28,500 निफ्टी बैंक के लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अब इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, बैंक निफ्टी जाता है, तब आपको एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जब तक ये लेवल होल्ड होते हैं तब तक आपको बैंक निफ्टी में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन रेंज के आसपास यहाँ पे बाय एंड डिप्स का मार्केट जिस तरीके से चल रहा है वो आपको होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अपर साइड में अगर मैं बात करूं तो जो रेजिस्टेंस है वो 29,500 से 30,000 का जोन जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा, जो फाइनल टारगेट भी है बैंक निफ्टी के लिए इस महीने के लिए। लगभग लगभग 29,500 के कॉल पे आप देखेंगे 8,95,000 शेयरों की बड़ी भारी भरकम पोजीशन बनी हुई है, और लगभग 3,82,000 शेयर कल कॉल राइटर्स के रूप में नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। कल रिवर्स होने के बावजूद भी यहाँ पे जम के कॉल राइटिंग हुई है, तो या तो फिर यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर यहाँ पे अगर अच्छी खासी तेजी होती है तो फिर इनको अपनी पोजिशन काटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की प्रीमियम यहाँ पे इनको मिलती दिख रही है लगभग 290 रुपए के आसपास, 29,800 तक इनकी जो पोजीशन होगी वो सेफ होगी। यानी कि अगर वो यहाँ पे कॉल शॉर्ट भी कर रहे हैं तो 29,800 तक भी अगर बैंक निफ्टी आ जाता है एक्सपायरी में तो उनकी कोई लॉस नहीं होगी। लेकिन 30,000 के कॉल की अगर हम बात करें, 8,11,000 शेयरों की अच्छी बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनी है, और 96,000 शेयरों का एडिशन कल के दिन यहाँ देखने को मिला है, और लगभग 148 रुपए की प्रीमियम जो है इनको भी कॉल राइटिंग में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं 30,150 तक इनकी भी जो लेवल है वो भी सेफ होती हुई दिखाई दे रही है। तो 29,500-30,000 का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा, रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे काम करेगा। एक बार बैंक निफ्टी यहाँ जा चुका है तो यहाँ तक फिर से एक बार रिट्रेस करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन 30,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने भी पार किया
तो दोस्तों जो तेजी होगी उसको सोचा नहीं जा सकता। फिर मार्केट आपको 1000 पॉइंट की और शानदार तेजी जो है 31,000 32,000 तक वो दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और अभी जिस तरीके की तेजी चल रही है पागल टाइप की, उसमें आपको कोई भी लेवल ऊपर या नीचे के देखने को मिल सकते हैं। नीचे के तो शायद देखने ना मिले, लेकिन ऊपर के लेवल डेफिनेटली आपको अभी कोई भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी जो पोजिशन है दोस्तों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप कीजिए, चाहे आप मंदी की पोजिशन बनाए चाहे कोई भी तेजी की पोजिशन बनाए, दोनों ही साइड आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपको फिर जो है लॉस वो आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज की अगर अगले हफ्ते बात करें तो 12600 से 13000 के बीच ही निफ्टी की रेंज रहने की संभावना दिखाई दे रही है अगले हफ्ते के लिए। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 28500 से 30000 के आसपास जो रेंज है 1500 पॉइंट की, इसमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट वीक में। और जहां पे भी रेंज ऊपर या नीचे की तरफ किसी भी साइड निफ्टी या बैंक निफ्टी में टूटेगी तो आपको वहां से फर्दर एक्सेसिव मूव जो है वो फिर किसी भी इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।